हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडुसन में। और आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास टेंथ भौतिकी यानी फिजिक्स चैप्टर 3 मानव नेत्र या वर्ण विक्षेपण के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड आप इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले फ्रेंड मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन को। और आपका पहला प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस प्रकार प्रतीत होता है वो पूछा है आपसे। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन डी होगा यानी काला। ठीक है, तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत दिखाई देता है। नेक्स्ट सवाल है, मानव जो नेत्र है वो किस प्रकार का लेंस की तरह कार्य करता है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी उत्तर लेंस होता है। तो मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस की तरह कार्य करता है, तो यह उत्तर लेंस की तरह कार्य करता है। और नेक्स्ट सवाल है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन डी होगा यानी 7। ठीक है, तो श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है, तो यह 7 रंगों के मेल से बना है। अगला प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न संख्या यह 4 है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह हैं। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, दृष्टिपटल। ठीक है, तो मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो यह दृष्टिपटल पर बनता है। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, लाल। ठीक है, तो लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो आप इसका आंसर बताएंगे बैंगनी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, या फिर नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी मानव जो नेत्र में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूँ, ऑप्शन ए राइट होगा यानी वास्तविक उल्टा तथा छोटा। तो नेत्र द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनाता है। नेक्स्ट सवाल है, एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अनंत। ठीक, आपसे देखिए पूछा क्या है, एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु आपसे पूछा है। तो दूरबिंदु जो होता है अनंत होता है। अगर यही आपसे निकटतम बिंदु पूछता तो आप बताते 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप दोनों प्रश्न को याद रखिएगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का क्या कारण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूँ फ्रेंड, ऑप्शन बी होगा, असमंजन। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूँ, ऑप्शन सी होगा यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी इंद्रधनुष जो बनता है वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। आप इसे याद रखिएगा कि इंद्र जो धनुष बनता है वो किस पर आधारित पर बनता है, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और प्रश्न है आपका, समान दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है यानी लगभग होता है। यानी आपको बताना है कि समान दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी ऑप्शन जो बी होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन ए सही होगा यानी दूरदृष्टि दोष। तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता है तो वह जो नेत्र हैं दूरदृष्टि दोष से पीड़ित हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या किया जाता है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, पच यानी पचमाभी यानी सिलियरी द्वारा, ठीक है, पचमाभी या सिलियरी द्वारा जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों में प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं ऑप्शन सी होगा यानी टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट सवाल है, जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तब निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष होता है, यानी जब नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी कम हो जाती है तब कौन सा दृष्टि दोष होता है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं ऑप्शन जो बी है राइट होगा यानी निकट दृष्टि दोष। देखते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, और आपका प्रश्न है सामान्य मानव नेत्र का दुर्बिंदु है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा अनंत पर होता है, यानी सामान्य मानव जो नेत्र का जो दुर्बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। नेक्स्ट सवाल है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा अपसारी, ठीक है। तो किस लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है, अपसारी, या आपसे पूछा जाता लेंस में तो आप बताते अवतल लेंस, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष का जो उपचार किया जाता है किस लेंस के द्वारा किया जाता है, तो आप बताएंगे अवतल लेंस, लेकिन अवतल लेंस नहीं रहेगा तो आप अपसारी मारिएगा, क्योंकि अवतल लेंस जो है अपसारी किरणपुंज निकलता है इससे, ठीक है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, और आपका प्रश्न है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं फ्रेंड ऑप्शन बी होगा अवतल लेंस, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है, तो यह अवतल लेंस लगा रहता है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहाँ तक साफ साफ देख सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं फ्रेंड ऑप्शन ए होगा, ठीक है, निकट स्थित वस्तुओं को। तो कोई व्यक्ति अगर दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो यह साफ साफ देख सकता है निकट स्थित वस्तुओं को, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, यानी मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस उपस्थित रहता है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा उत्तल लेंस लगा रहता है, यानी मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो यह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, और आपका प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो यह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा दूरदृष्टि दोष से। तो किसी वस्तु प्रतिबिंब रेटिना के पीछे जब बनता है तो यह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित रहता है, तो यह दूरदृष्टि दोष से पीड़ित रहता है। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो यह व्यक्ति का किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगा, तो यह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। आप ये दोनों नोट करिएगा, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आपका अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, ठीक है, मिट्टी। तो मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जिसको लेंस की तरह व्यवहार या फिर लेंस में उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, और आपका प्रश्न सामने है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर फ्रेंड बता दूं ऑप्शन जो है सी होगा अभिसारी, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, तो अभिसारी लेंस से किया जाता है, या फिर लेंस रहेगा तो आप यहाँ पर मारिएगा उत्तल लेंस, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो यानी आपके परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है इसी तरह से घुरा के पुरा के पूछेगा, ठीक है, आप दोनों याद रखिएगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, और प्रश्न है आपका, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा मोतियाबिंद। नेक्स्ट सवाल है,
जरा दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दो फ्रेंड, ऑप्शन बी होगा, बाइफोकल। ठीक है, तो कोई व्यक्ति अगर जरा दृष्टि दोष से पीड़ित है तो यह किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करेगा? तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट सवाल है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा, 25 सेंटीमीटर। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, और आपका प्रश्न है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, यानी एक जो प्रिज्म है वो कितने सतहों से घिरा रहता है, वो आपसे पूछा है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी होगा, यानी 5। ठीक है, तो एक प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा रहता है, तो यह 5 सतहों से घिरा रहता है। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा, प्रिज्म। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम जो प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, श्वेत प्रकाश के कितने वर्ण यानी रंग होते हैं, यानी श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं वो बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा, 7 होगा। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, तो यह 7 होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव अधिक होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा, बैंगनी। ठीक है, तो विचलन किस रंग का सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी का होता है। अगर आपसे पूछा जाए किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो आप इसे याद रखिएगा, लाल। ठीक है, दोनों प्रश्न को याद रखिएगा। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, और आपका प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा, पुतली। ठीक है, तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो यह किस पर बनेगा? तो यह पुतली पर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश किरणों का विचलन संभव है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा, एक प्रिज्म द्वारा परंतु आयताकार स्लिप द्वारा नहीं। नेक्स्ट सवाल है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा, पचमाभी द्वारा, यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन जो किया जाता है, तो पचमाभी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, प्रिज्म से गुजरने पर सूरज के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों यानी रंगों में बट जाती हैं, इसका क्या कारण है? तो फिर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, प्रकाश किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, यानी प्रकाश किरणें जो हैं क्या हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, और यह सवाल है 35 है, यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन बी होगा, यानी अवतल लेंस। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष का जो निवारण किया जाता है वो अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। चल देखते हैं अगले प्रश्न को, और आपका प्रश्न है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का? तो फ्रेंड इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, सीधा रेखा में गमन। नेक्स्ट सवाल है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन बी होगा, यानी उत्तल लेंस। ठीक है, तो दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दो फ्रेंड, ऑप्शन सी होगा, लाल। ठीक है, तो किसका सबसे कम विचलन होता है? तो लाल रंग का जो है, रंग का जो है विचलन सबसे कम होता है। अगर आपसे सबसे अधिक पूछता तो आप बताते बैंगनी का। नेक्स्ट सवाल है आपका, और यह प्रश्न संख्या 39 है, वन एंगस्ट्रम का मान
क्या होता है, यानी आपका वन एंगस्ट्रम का मान पूछा है आपसे। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है, 10^-10 मीटर। तो ए वन एंगस्ट्रम का मान होता है 10^-10 मीटर होता है। अगला सवाल है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, असमंजन। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, और आपका प्रश्न है, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 वर्णों में विभक्त हो जाती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दो फ्रेंड, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, यानी सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 वर्णों यानी रंगों का मिश्रण है। नेक्स्ट सवाल है, जरा दूरदृष्टता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, यानी जरा दृष्टि दोष से कोई अगर व्यक्ति पीड़ित है तो किस लेंस का प्रयोग कर इसका उपयोग कर या इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया कर सकता है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, डिफोकसी लेंस। नेक्स्ट सवाल है आपका फ्रेंड, और यह प्रश्न संख्या 43 है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तब जो रंग यानी वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी बैंगनी। तो किस रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न संख्या 44 है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, दृष्टिपटल। फ्रेंड इससे पहले एक प्रश्न में हम पुतली बता दिए थे, तो पुतली राइट नहीं होगा, दृष्टिपटल होगा, आप वहाँ पे भी क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो किसी मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टिपटल पर बनता है, ठीक है, आप इसे सुधार लीजिएगा। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, और प्रश्न संख्या 45 है, प्रकाश के लिए किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य महत्तम होता है, किसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, लाल। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 46 है, प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूँ, ऑप्शन ए राइट है, यानी बैंगनी जो है क्या है, तरंगदैर्ध्य जो है प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट सवाल है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अपवर्तन। तो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो यह अपवर्तन के कारण यह घटना घटती है। तो फ्रेंड मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।